सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपको जीवन का प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य खुद के साथ आत्म साक्षात्कार करना होना चाहिए। अगर आप खुद को जान सके तो आपका जीवन सफल हो सकता है। भाग्य किसी को कुछ नहीं देता, मंजिल पाने के लिए हर दिन कर्म करना होगा, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। सिर्फ खोखले बातें किसी काम नहीं आती। सबसे बढ़िया दवा हंसी, सबसे बढ़िया संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, और सबसे अच्छी बात है कि ये सब निशुल्क है। आज का पंचांग 24 जून 2021 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात्रि 12:09 तक रहेगी। इसके उपरांत कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठ नामक नक्षत्र सुबह 9:11 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 2:10 से 3:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:02 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर सुबह 9:11 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 24 जून 2021 दिन गुरुवार, इस समय आपके दिमाग में केवल धन है। आप भौतिक चीजों जैसे फैशन और आभूषणों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। प्रियजनों के साथ भोजन करने की खुशी का मजा लें। अच्छे से तैयार होकर किसी शो या कॉन्सर्ट में जाने का भी योग है, या आप घर में ही मस्ती कर सकती हैं। आपको दूसरों के साथ भावनात्मक संपर्क की आवश्यकता है। व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से संबंध बनाना आपकी मदद कर सकता है। आप अपनी सफलता के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप कोई आपको रोक नहीं सकता। आज पठन पाठन तथा उत्तम जानकारियों को हासिल करने में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। आप किसी भी परिस्थितियों में समस्याओं का हल ढूंढने में सफल रहेंगे। युवा वर्गों को अपनी पहली इनकम मिलने से बहुत अधिक खुशी महसूस होगी। जिन बातों के कारण जीवन में अस्थिरता बन रही है, ऐसी बातों को दूर करने के लिए आपको आज कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि न ही आप बात को मन से निकाल पा रहे हैं और न ही परिस्थिति में आ रहा बदलाव जैसा है वैसे अपनाने की आपकी स्थिति है। आपके निर्णय की वजह से लोगों की नाराजगी आप पर रहेगी, लेकिन आपके लिए फिलहाल मन शांति महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखें। अपने काम से संबंधित जो भी निर्णय आपने बनाए हुए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के लिए ना बदलें। भावनात्मक स्वरूप से मजबूत बनने के लिए आपको अपनी भावनाएं पार्टनर के सामने ठीक तरह से प्रकट करना सीखने की आवश्यकता होगी। शुगर से संबंधित तकलीफ जिन लोगों को है उनको आज सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता भी होगी। सावधानियाँ, कुछ काम बनते बनते बीच में ही अटक सकते हैं, परंतु इसका कारण आपकी एकाग्रता में कमी होना ही है। दूसरों के मामलों में ज्यादा ध्यान न देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। दो लोगों के बीच में प्यार के साथ साथ सम्मान और विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज एक नया रुपया हेयर कट आपके लिए करिश्मे को बढ़ाएगा, जिससे आपका क्रश भी आपको नोटिस करेगा। यदि सामने वाला अपने दिल की भावनाओं को भी आपके साथ बांट सकता है और सहज रहता है, तब यह प्यार है। लोगों की बातों को सुनना और उनकी मदद करना जैसे गुण आपके लिए निजी और कार्यस्थल दोनों में फायदेमंद है। सपने देखें और उन्हें पूरा करने का उत्साह भी आप में भरपूर है। आपके प्यार के साथ आपका तालमेल बेहतरीन है। अगर प्यार नया है तो इसे पूरा वक्त दें, क्योंकि यह प्यार जीवन भर का है।
बात करते हैं करियर की। अभी आप जो खुशी और ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, उससे आपको भीड़ से अलग पहचान मिलती है। लोग आपको समझ रहे हैं और आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज आप मीटिंग और प्रेजेंटेशन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। स्वरोजगार के लिए भी यह समय अच्छा है। आज आप अपने प्रियजनों से संपर्क कर सकते हैं। भविष्य की कुछ बेहतरीन योजनाएं आपका इंतजार कर रही हैं और आने वाले समय में आपके सभी सपने सच होंगे। दुनिया बेहद खूबसूरत है, इसलिए बाहर निकलकर इसका पूरा मजा लें। अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। बात करते हैं सेहत की। इस मौसम में आपकी तबीयत खराब हो सकती है, लूज मोशन और उल्टी जैसी तकलीफ भी हो सकती है। अपना ख्याल रखें, स्वच्छ भोजन करें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को कपड़ों का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।